प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग बात कर रहे थे ध्रुवीय खमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप। तो सबसे पहली चीज ये आती है कि ध्रुवीय प्रक्षेप कहते किसे हैं। ध्रुवीय प्रक्षेप वे प्रक्षेप जिसके अंतर्गत हम ये कल्पना करते हैं कि ये हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब पे तो ये अक्षांश देशांतर का जाल है, जिसको हम कागज पे बनाने के लिए जो प्रयास करते हैं वो प्रक्षेप कहलाता है। और ध्रुवीय प्रक्षेप में ये कल्पना की जाती है कि कागज ध्रुवों पर रखा जाता है, उत्तरी या दक्षिणी। इसलिए हमेशा आप ये ध्यान रखिए, जब भी खमध्य प्रक्षेप आता है वो किसी एक ही गोलार्ध पर बनाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं ध्रुवीय समक्षेत्र प्रक्षेप की। तो बहुत ईजी इसका प्रक्रिया है, इसकी प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें यह याद करना है पृथ्वी का जो हम अर्धव्यास ज्ञात करते हैं त्रिज्या, फॉर्मूला सभी में एक ही रहेगा, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास इसको हमें विभाजित करना है, भाग देना है इससे निरूपक बिंदु के हर से, निरूपक जो आपको आरंभ किया है 1:135, तो हम उसका भाग देंगे। तो यहां अगर हम देखते हैं तो ये वास्तविक अभ्यास 635 690 आपका आरंभ है, 135 690। अब हम इसको जब इसको विभाजित करेंगे इससे काटेंगे तो ये संख्या कितनी आती है, आप लोगों ने कैलकुलेशन किया बताइए। 4.70 सेंटीमीटर। आपको गणितीय रचना यही तक करनी है, इसके बाद आपको इस प्रक्षेप को बनाना है। इस प्रक्षेप के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वृत्त का चतुर्थांश बनाएंगे, चतुर्थांश मतलब पंचभुज पार्ट। आपने 4.7 सेंटीमीटर की दूरी ली और इससे क्या करेंगे, ये इस तरह से गोला बना देंगे। ये यहाँ 90 डिग्री एंगल पे आपने लिया कौन, इसको हमने ओ दे दिया नाम, ये ए। अब ध्यान क्या रखना है, अंतराल जितना दिया है उस हिसाब से इसके कोण बनाएंगे। पहला हमारा कोण ये 30 डिग्री हो गया, दूसरा वाला कोण 60 डिग्री और तीसरा एंगल है। तो यहाँ डिग्री ना लिख के हम क्या करेंगे, यहाँ इसको नाम दे देंगे बी सी और डी। ये हमने जब नाम दे दिए तो अब इसके बाद क्या करना है कि ये समक्षेत्र प्रक्षेप, समभुवी नहीं है, समक्षेत्र मतलब ये जो प्रक्षेप है समान क्षेत्रफल को दिखाता है। अब समान क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समक्षेत्र प्रक्षेप की जो रचना होती है यहां से यहां पे लंब डालेंगे, ये सीधे स्केल की सहायता से आप ले लेंगे डी से ए, फिर डी से बी और डी से सी। इस तरह से आप इसमें ये डॉट डॉट लाइन से बनाएंगे। पहला डी से ए वाला जो डिस्टेंस है इसको आपने क्या किया, चाप में लिया और यहां पे आपने गोला बना दिया। कौन सा डिस्टेंस लिया, डी से ए वाला प्रकार में लेंगे, पूरा का पूरा गोला बना देंगे, फिर डी से बी वाला ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यहां से हमने क्या किया ये इसको गोला बना दिया। फिर उसके बाद में डी से सी ये भी हमने लिया यहां से और इसको हमने क्या किया गोला बना दिया। अब हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट पे जो आपको चांदा दिया गया है उसको यहाँ रखना है और उससे 90 डिग्री के एंगल पे आपको क्या करना है, यहाँ पे बिंदु लगा देना और इसी चांदे को उल्टा करके यहाँ पे 90 डिग्री पे एंगल पर बिंदु लगा देना। हम ये इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये मिड लाइन हमारी सही बने। फिर आपको क्या करना है, इस मिड लाइन को बना देना, ये आपकी बीच वाली रेखा बन गई। तो ये जो गोले बने हुए हैं ये दिखा रहे हैं अक्षांश रेखाओं को। तो ये जो सबसे लास्ट वाला गोला है ये दिखाता है इक्वेटर, इक्वेटर मतलब 0 डिग्री हमारी देशांतर भूमध्य रेखा को दिखा रहा है। तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं भूमध्य रेखा। फिर इसके बाद में ये दिखा रहा है 30 डिग्री को और ये है 60 डिग्री और ये जो मिड वाला है नॉर्थ 90 डिग्री को। अब जब देशांतर बनाने की बात आती है तो देशांतर का एक सिंपल सा तरीका है कि यहाँ जो दिया हुआ अंतराल 30 डिग्री का दिया हुआ है और देशांतर जब बनेंगे तो पूरे से पूरे बनेंगे उतनी गोलार्ध के सारे देशांतर। तो हमने इसको रखा 0 डिग्री और ये ऊपर बन जाएगा 180 डिग्री देशांतर, क्योंकि ये ग्लोब में एक ही भूमध्य रेखा है और एक ही 180 डिग्री देशांतर, बाकी सभी देशांतर दो दो है, एक पूर्व में है और एक पश्चिम में है।
अब हम यहाँ पे चांदा रखेंगे बीच में, फिर यहाँ से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, फिर 120 और 150, ये कोण बना लेंगे। सेम वही प्रक्रिया इस तरफ चांदा रखेंगे, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, फिर ये 120। इसके बाद में मिड वाले लाइन को जो 90 डिग्री को मिलाती है, हमने इसको लिया, इस तरह से मिला दिया, फिर इस लाइन को, फर्स्ट लाइन को इस वाले से मिलाना। ये थोड़ा ध्यान रखिए जब आप मिलाते हो रेखाओं को, ये हम डबल रेखाओं को इसके साथ मिला रहे हैं ताकि हमारा समय कम लगे, नहीं तो आप चाहे तो एक ही रेखाओं को भी मिला सकते हैं, जैसे 30 डिग्री वाला मिला दिया, फिर 60 डिग्री वाला मिला दिया, फिर इस तरफ आप, तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप इनको कैसे मिला रहे हैं और दोनों को चाहे तो साथ भी मिला सकते हैं। तो इस तरह से ये आपकी अक्षांश रेखाओं की रचना होगी और देशांतर होगी। इसके बाद महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है कि हमें पे डिग्री लिखनी है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 120 और 150। अब इसमें यहाँ दिशा जरूर देनी है, ये वाला कौन सा पार्ट होगा, पूर्वी, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये फिर से 30, 60, 90, 120 और 150, ये हो जाएगा हमारा। इस तरह से ये हमारी प्रक्षेप की रचना होगी जिसे हम ध्रुवीय मध्य समक्षेत्र प्रक्षेप कहते हैं।